हाल ही में जेल से रिहा होने के बाद सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष पीएस गोले ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मीडिया के समक्ष उन्होंने सत्ताधारी एसडीएफ सरकार की जमकर आलोचना की, साथ ही दावा किया कि सिक्किम की जनता उनके साथ है, इसलिए वे आगामी चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने चुनाव में सभी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने की भी इच्छा जाहिर की। हम लोग तो सब पार्टी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। हम लोग का हमारा मैसेज ही है, सब मिलकर काम करेंगे, लेकिन ऑफिशियली अभी कुछ नहीं है, अभी हम कुछ नहीं बोल सकता। अभी ऑफिशियली होने के बाद आप लोग पता चलेगा ना, ये तो सब हम सब मिलकर काम करेंगे। जनता तय करेगा ना, सरकार होगा ना होगा, ये तो जनता के ऊपर है ना। आप लोग देख लिया ना, पब्लिक का जो है जो एक प्रोपोगंडा किया था ना, एसकेएम पार्टी बाहर का पब्लिक लाएगा, ये लाएगा बाहर का, ये लाएगा वो लाएगा, गुंडा लाएगा, ये ऐसा लाएगा, लेकिन आपने देख लिया जितना भी वॉलेंटियर था, जितना भी वहाँ पर जैन सैलाब, सबने अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर आया था। सिक्किम विधानसभा की सीटें बढ़ाकर 32 से 40 करने के लिए गृह मंत्रालय ने केंद्र कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जल्द ही इस पर कोई निर्णय लेगी। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सन 1975 में भारत के साथ सिक्किम के विलय के बाद यह पहला कैबिनेट विस्तार होगा। 8 नए सीटों में से लिंबू और तमांग समुदाय के लिए 5 सीटें आरक्षित होंगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विधानसभा में समान अधिकार देने के उद्देश्य से इन दोनों समुदायों के लिए 5 सीटें आरक्षित की गई है। Out of these few, one is the reservation of seats for the Limbu and Tamang communities of Sikkim in the state assembly for providing scheduled tribe status to the 11 left out Nepalese communities of Sikkim. So these are several issues which have been moving around in the media, the society and all that. And as far as we are concerned, the Sikkim Democratic Front Party under the leadership of Sri Pawan Chamling, the Honorable Chief Minister, these demands have been examined, studied legally, otherwise, and based on various research work, constitutional provisions, we have placed the demands before the Government of India. त्रिपुरा का नॉर्थ उनाकोटी और धलाई जिला 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाने को तैयार है। इन तीनों जिलों में किसी भी हिंसक वारदात से बचने के लिए टीएसआर, बीएसएफ, त्रिपुरा पुलिस, डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड ने छप्पे छप्पे पर अपनी नजर रखी है। राज्य में किसी भी प्रकार के अवैध घुसपैठ से बचने के लिए रेलवे स्टेशनों और रेलवे टनलों पर भी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई भी संदिग्ध चीज दिखती है या कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो वे पुलिस को सूचित करें। त्रिपुरा के सभी पुलिस थानों को अलर्ट किया गया है। जनजातीय और उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स लगातार गश्त लगा रहे हैं। तो हम लोग 10 तारीख से इधर व्हीकल चेकिंग, होटल चेकिंग, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कर रहे हैं। रेल भी चेकिंग हो रहे हैं और सक्सेस भी मिल रहा है। दूसरा जो है जो उसका जो ट्रेन डॉग है, ट्रेन डॉग को लेके बिजी मार्केट प्लेस, मोटर स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इसमें भी चेकिंग चल रहा है। बीएसएफ के साथ बातचीत हुआ, उन लोगों को बताया गया है जो बॉर्डर को सील करने के लिए, और बॉर्डर सील भी हो गया। मेघालय प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है। इसकी राजधानी शिलांग में महादेव खोला थाम नामक 150 साल पुराना एक मंदिर है जो कि बहुत ही आकर्षक है। माना जाता है कि इस मंदिर से एक गुफा असम के माँ कामाख्या मंदिर तक जाती है। श्री श्री महादेव खोला धाम मेघालय की सबसे प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर की एक गुफा में भगवान शिव की मूर्ति है और माना जाता है कि यही गुफा कामाख्या मंदिर तक जाती है। मैं इस वक्त खड़ी हूँ प्राचीन महादेव खोला धाम में। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। इस धाम में मान्यता है कि इस धाम से एक गुफा गया है कामाख्या तक,
और काफ़ी सारे श्रद्धालु स्पेशली टूरिस्ट जो यहाँ पे आ रहे हैं वो यही देखने का कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से, मतलब कोई आर्टिफिशियल नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर सब प्राकृतिक तरह से बना हुआ है। यहाँ पर महादेव की एक गुफा है जो कामाख्या तक जाती है, गुफा देख के बहुत प्रसन्नता महसूस हुई है, बड़ा अच्छा लगा है। ये धाम पूरा घर से जाके बोले कामाख्या मंदिर तक मिला हुआ बोल के बोला था, गुफा था इसलिए विश्वास करते हैं भगवान को मिलने के लिए। लेकिन भोले बाबा की आस्था है यहाँ, अच्छा सभी लोग बोलते हैं, बहुत अच्छे मंदिर के प्रसिद्ध मंदिर भोले बाबा का है। ये मंदिर बहुत ही प्रचलित है इस जगह पर, तो हर सावन के सोमवार को यहाँ पर आके पूजा करते हैं लोग, और महाशिवरात्रि में भी यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है।